स्कूल जा रही छात्रा को उठाकर किया बलात्कार, मुकदमा दर्ज। लक्सर में दो किशोरों ने स्कूल जा रही नाबालिग छात्रा का अपहरण कर उसके साथ बारी बारी से बलात्कार किए जाने का मामला सामने आया है। घर लौटने पर छात्रा की तबीयत बिगड़ने पर परिवार वालों को जानकारी हुई तो छात्रा की दादी बाबा ने कोतवाली में पहुंचकर पुलिस को तहरीर दी है। पुलिस ने दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कोतवाल यशपाल सिंह बिस्ट ने बताया है कि दोनों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और जल्दी दोनों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। नवभारत समाचार लक्सर उत्तराखंड से अनिल कुमार गुरु की रिपोर्ट। सुबह 9 बजे के लिए स्कूल के लिए निकली हुए घर से, तो पुल के नीचे मिले मेरे को। उन्होंने कहा चल तेरे को स्कूल तक छोड़ते हैं। मैंने कहा नहीं, मैं अपने आप चली जाऊंगी। जबरदस्ती बिठाया कि चल चल। मैंने कहा कोई नहीं, चल छोड़ दे स्कूल तक। स्कूल तक नहीं, सेठपुर ले गए। सेठपुर ले जाके घर में ले गए वो। वहीं पे उन्होंने जबरदस्ती करी मेरे साथ। कितने लोग थे? दो लड़की ने नदियाबाद लड़की आई थी मेरी बृहस्पति को, तो उसने इसने सारी बातें उसे बताई, मुझे नहीं बताई, डर के मारो। ये कौन सी स्कूल में जाती है पढ़ने के लिए? ये दुर्गा पब्लिक स्कूल सीमली में, ये जो छंगे वाले में। नहीं सुनवाई होगी तो आ जाऊंगा। मैंने लड़के लिए 8-9 महीने हो गए तहरीर दे रखी, वो मिसिंग है। उसकी आज तक कोई परवाह नहीं हुई, आज तक कोई यानी अब कोई देखी जा, और ना ही उसकी मैंने डबल कॉपी में लिख के दी थी, उसकी एक कॉपी भी मुझे रिसीव दी थी इन्होंने।